देखिए दोस्तों, पोल्ट्री फीड आ चुका है हमारे फार्म पर। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पोल्ट्री फार्म पर। मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि मैं भाई बाहर गया था, इस वजह से डेली रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का 24वां दिन, लेकिन मैं आपको कवर अप कर दूंगा उस दिन से लेकर के अब तक की जानकारी से। तो अभी जो है हमारे फार्म पर फीड आया है, ये हमने स्टार्टर फीड के साथ साथ फिनिशर फीड भी मंगा लिया है, क्योंकि भाई ऐसा होता है कि जब दाना चेंज करते हैं ना फार्म में मुर्गों को, जैसे स्टार्टर फीड दे रहे थे हम और अब फिनिशर भी देंगे, तो हम मिक्स करके देते हैं 2 से 3 दिन तक, क्योंकि एक ही बार में अगर हम पूरा फीडर्स खाली कर देंगे और उसमें फिनिशर फीड डाल देंगे तो ऐसा हो जाता है कि बर्ड उसको सही से नहीं खाता, और अगर मुर्गे जल्दी इसको खा भी लेते हैं तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसको हाजमे में परेशानी हो जाएगी और फिर भाई बीमारी भी उसके साथ साथ आ जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम फीड को मिक्स करके देते हैं। शुरू के लगभग 2 से 3 दिन तक हम स्टार्टर के साथ फिनिशर फीड को मिक्स करके देंगे, इससे क्या है बर्ड को आदत भी हो जाएगी और डाइजेशन भी ठीक रहेगा। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। अभी जो हमारे फार्म पर ये फीड आया है, फिनिशर और स्टार्टर दोनों, इस तरह से गाड़ी खाली होकर के हमारे फार्म से चली जाती है देखो, और बर्ड आप देख सकते हो 24वें दिन बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपको क्या लगता है कि हमारे फार्म में बर्ड का क्या वेट होगा? मैं कल आपको पूरा बता दूंगा कि कितना इसका एवरेज वेट है और इसके साथ साथ कितना फीड इसने खाया है। और अभी शाम के लगभग 7:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हो हम शाम के टाइम ही ज़्यादातर फीड डालते हैं, या फिर जो काम भी करना होता है वो सुबह को करते हैं या शाम में। और पोल्ट्री फार्म में इस तरह से करना ज़रूरी रहता है। और अभी एक प्रॉब्लम और आपको देखने को मिल रही होगी, जैसे बर्ड 20 दिन के आसपास का होता है तो पलट करके मरना शुरू हो जाता है, हमारे फार्म में भी होती है इस तरह से मोर्टेलिटी। तो इसका मैं पूरा कारण बताऊंगा आपको कल, और कैसे इसको कम करना है वो भी बताऊंगा। होता ज़रूरी है, अगर आपका बर्ड सही चल रहा है तो ज़रूर होता है। और देख लीजिए आप, शाम के टाइम भी हमने अभी पर्दे पूरे डाउन कर रखे हैं क्योंकि बर्ड का वेट काफ़ी हो चुका है। मैं आप सभी से फिर से पूछना चाह रहा हूँ, नीचे कमेंट में लिख करके बताइए कि आपके बर्ड का वेट कितना होता है 24 दिन के आसपास। और देख लीजिए बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट है यहाँ का। और भाई मैं वीडियोज़ अब फिर से डेली कर रहा हूँ, तो आप ये ना सोचे मैंने वीडियोस बनाना जैसे बंद कर दिया था तो मैं एक दो दिन कम या ज़्यादा कर दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। पूरा डेट आप चेक कर लीजिए, पहले दिन की जो हमारे फार्म पर चिक्स आए थे उस डेट को और आज की डेट को, 24 दिन हो चुके हैं। और नीचे भी देख लीजिए आप लीटर, देखो अभी गर्मियों का मौसम है इसलिए नीचे ज़्यादा भूसी हम नहीं डालते, ठंड के मौसम में ही ज़्यादा डाली जाती है बस। और रात के टाइम भी देखो फीड अच्छे से खा रहा है बर्ड, और भाई ग्रोथ तो बढ़िया ही है। वेट मैं कल बताऊंगा आपको, एवरेज वेट आपके सामने वेट करूंगा और आपको पूरा डिटेल्ड में बताऊंगा कि कितने फीड के बैग खाए हैं और क्या FCR है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। कल की वीडियो में प्रॉपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।